हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। आप देख रहे हो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स मैं टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके नीट और इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज आपके लिए इस टॉपिक में लगभग सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, और इससे कोई भी क्वेश्चन आपका अनटच न रहे, और कोई क्वेश्चन आपका बिल्कुल मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, एक एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़े क्वेश्चन को यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, शेयर करूँगा। तो लास्ट तक पूरी वीडियो देखना, जितने भी पार्ट में मैंने इसको बनाया है आपके लिए, अगर आप एक बार देख लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन स्किप आपसे पेपर में नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन जो कि स्कोरिंग पार्ट है एक आपके एंट्रेंस के लिए, उसके इस टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स को देखिए। थर्मोडायनेमिक्स में पहला क्वेश्चन जो है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर थ्री सिस्टम ए बी एंड सी इन कॉन्टेक्ट डिमांड्स दैट, अब यहाँ पे मार्क करना है कोई भी एक ऑप्शन ए एंड बी, तीनों एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में, हाँ तीनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपने देखा था ना कि क्या कंडीशन था? नहीं सर, उसमें तो दो थर्मली आइसोलेटेड थे। हाँ बिल्कुल, दो थर्मली आइसोलेटेड थे और तीसरा जो है वो एडियाबेटिक वॉल से सेपरेट किया हुआ था, है ना। ए और बी एक दूसरे से थर्मली इक्विलिब्रियम में है और सी जो है वो अलग है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि इफ टू सिस्टम्स ए एंड बी आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम सी, ए और बी जो है थर्ड सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, तब उस केस में आपको यहाँ पे चारों ऑप्शन के बताने हैं कि क्या ऑप्शन होना चाहिए, आपका आंसर क्या राइट होना चाहिए। बिल्कुल सही, इसमें आपका डी पार्ट होगा क्योंकि ए बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, सबके सब थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। बिल्कुल सही बात, जीरोथ लॉ, बिल्कुल ठीक है। सिर्फ सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछा ही गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज थर्मोडायनेमिक्स फॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, तो जीरोथ लॉ जो है यहाँ पे क्या बता रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाथ फंक्शन, कौन सा पाथ फंक्शन नहीं है। देखिए चार ऑप्शन तो आपके पास दिया हुआ ही है, डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा के लिए, आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि इंटरनल एनर्जी जो होती है ना वो इंडिपेंडेंट होती है पाथ से, और ये जो आपके पास डेल्टा क्यू प्लस माइनस डेल्टा यू दिया हुआ है ना, ये इंटरनल एनर्जी को बताता है। तो दिस वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, तो इसलिए ये इसमें से ये जो आपका फोर्थ ऑप्शन है इसको फॉलो नहीं करेगा, नॉट ए पाथ फंक्शन, ये पाथ फंक्शन नहीं माना जाएगा। देखिए होता क्या है कि जब आप पी और वी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो पी और वी के ग्राफ में क्या होता है, मान लो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर घट रहा है, तो एक पाथ बनता है, ठीक है। तो इसमें इंटरनल एनर्जी का कोई सेंस नहीं बनता। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक आपका ग्राफ बन गया, ठीक है ग्राफ बन गया, लेकिन इस ग्राफ में आपने क्या देखा कि जी हाँ आपने हीट सप्लाई किया था, साथ ही साथ आपने हीट दिया, वर्क डन भी हुआ, बिल्कुल सही बात, वर्क डन भी होता है बहुत बार केस में, जब वर्क डन कब होता है, सिर्फ वर्क डन और इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती है, वर्क डन भी होता है। लेकिन यहाँ पे जब बात हो रही है कि नॉट ए पाथ फंक्शन, कौन सा इसमें से पाथ फंक्शन नहीं है, तो इंटरनल एनर्जी दोनों ही केस में बढ़ेगी। जब आप जब पिस्टन को फिक्स रखोगे, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा तो भी बढ़ेगा, कांस्टेंट प्रेशर रहेगा तो भी इंटरनल एनर्जी उसमें जो है बढ़ती ही है, लेकिन वो इस पाथ से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन ए गिवन प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा क्यू लेस देन जीरो, देन फॉर द गैस द टेम्परेचर विल डिक्रीज, द वॉल्यूम विल इंक्रीज, द प्रेशर विल रिमेन कॉन्स्टेंट, द टेम्परेचर विल इंक्रीज। अब बताएंगे आप तो मैं कौन सा लॉक किया जाए, तो उसको देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा हुआ है डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन जैसा हमारे पास कह रहा है कि डी डब्ल्यू जीरो हो जाए, तो इसको अगर आप जीरो कर दोगे और डी यू के बारे में कह रहा है कि ये लेस देन जीरो है, तो अगर ये लेस देन जीरो हो गया तो मतलब निगेटिव में हो गया। निगेटिव में होने का मतलब क्या है,
नेगेटिव में होने का मतलब आप ये समझ सकते हो कि ऐसे हालत में जो टेम्परेचर होगी ना वो भी लेस देन जीरो होगी। ये बात क्लियर हो जाती है कि आपने हीट जो सप्लाई दिया है, हीट सप्लाई दे रहा है उसके बाद भी वो निगेटिव हो रहा है, इसका मतलब एक तरह से हीट निकाली जा रही है, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और टेम्परेचर ऐसे केस में जब डिक्रीज होगा तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन आपके पास क्लियर दिया हुआ है कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है। आइडियल केस में क्या होता है ये भी मैं बताता हूँ। आइडियल केस में आइडियल गैस जब होती है तो इंटरनल एनर्जी जो होती है ना, इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, आइडियल गैस के केस में, ठीक है। अब आप यहाँ देखो कि यहाँ पे क्या कह रहा है, इन द गिवन प्रोसेस ऑफ आइडियल गैस वर्क डन जीरो है, ये जीरो है, तो इसका मतलब देन फॉर द गैस, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, इंटरनल एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज कर रही है, निगेटिव में है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही है। इंटरनल एनर्जी अगर डिक्रीज करेगी तो ये जैसे मैंने लिखा आइडियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी अगर डिक्रीज करती है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा, तो टेम्परेचर क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए टेम्परेचर विल डिक्रीज, ठीक है। देख लो क्वेश्चन बड़ा इजी है लेकिन क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्वेश्चन जैसा बता रहा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, क्या इंटरनल एनर्जी में चेंज आया है वो आपको यहाँ पे बताना है, जो कि एब्जॉर्ब कर रहा है टू एब्जॉर्ब, अब यहाँ पे क्या एब्जॉर्ब कर रहा है तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, एब्जॉर्ब यहाँ पे टू है, टू किलो कैलोरी, ये टू किलो कैलोरी होगा यहाँ पे 2KCl, ठीक है, 2KCl से लेके ये कितना एब्जॉर्ब कर रहा है KCl ऑफ हीट एंड डन 400 जूल ऑफ वर्क, ठीक है। तब इस ऑप्शन में से कौन सा सही होगा इंटरनल एनर्जी के लिए, आपने तो इसको क्या किया कि आपने सबसे पहले ये किलो कैलोरी था तो इसको जूल में कन्वर्ट किया होगा आपने, तो इसको लिखा होगा 2 × 10³ इंटू 4.2 जूल, और 4.2 इंटू 2 किया जाए तो 8.4 हो जाता है, और 8.4 इंटू 10³ किया जाए तो 8400 हो जाता है, तो 8400 जूल तो ये हो गया। और वर्क डन आपके पास दिया हुआ है ये, मतलब ये W दिया हुआ है, W इक्वल टू 400, तो W 400 है तो डेल्टा U आपको चाहिए क्योंकि हमें चाहिए इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा U इक्वल टू आपने को फॉर्मूला तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पता ही है, डेल्टा Q माइनस डेल्टा W होता है, और डेल्टा Q आपके पास आ गया है 8400, अब माइनस ये हो गया आपके पास 400, तो दैट मीन्स 8000 हो गया, तो 8000 कहने का मतलब कितना हो गया, ये जूल में आया है ना, 8000 जूल हो गया जो कि 8 किलो जूल के इक्वल होगा, तो बी वाला ऑप्शन आपने बताया बिल्कुल सही बताया। इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है इसमें डायग्राम भी बनाने की जरूरत है वो मैं बना देता हूँ, सबसे पहले इसमें देख लेते हैं क्या कह रहा है। अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट, एक स्टेट ए से है ना, स्टेट ए टू अ स्टेट सी बाय द टू पार्ट्स ए डी सी एंड ए बी सी एज शोन इन द फिगर, तो अब फिगर तो बनाना ही पड़ेगा तो ड्रॉ करते हैं पहले। अब डायग्राम आपके लिए रेडी है, ए बी सी डी और डायरेक्शन ठीक इस तरह से ऐसा बना हुआ है डायरेक्शन क्लॉकवाइज सेंस में, नीचे एक्स एक्सिस में वॉल्यूम है जबकि वाई एक्सिस में प्रेशर दिया हुआ है। अलोंग द पाथ ए डी सी, ए डी सी ये पाथ से होके ये जा रहा है, द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब डेल्टा क्यू, जो डेल्टा क्यू एब्जॉर्ब है वो 50 जूल का है, एंड द वर्क डन ऑब्टेन 20 जूल, वेयर एज अलोंग द पाथ ए बी सी, ए बी सी ये रिवर्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो पाथ होगी उसकी बात कर रहा है ये, द हीट एब्जॉर्ब डेल्टा क्यू 36 जूल, द अमाउंट ऑफ वर्क डन अलोंग द पाथ ए बी सी, क्या होगा अगर आप ए बी सी पाथ को फॉलो करोगे तो इस केस में वर्क डन क्या होगा, इस ऑप्शन में से कौन सा वर्क डन होगा। मैं जरूर देना चाहूंगा आपको वो हिंट, ये है कि जैसे हमने ऊपर वाले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो पाथ से इंडिपेंडेंट होती है, तो उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे जरूर अप्लाई होगा। मतलब क्या है, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि पहला जो पाथ है वो है ए डी सी, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो पहले पाथ की अगर हम बात करें तो पहला पाथ हमारे पास ए डी सी है जबकि दूसरा पाथ हमारे पास ए बी सी है,
तो अगर मैं एडीसी पाथ को फॉलो करूं, एडीसी पाथ को, और इसको मैं इसके लिए इंटरनल एनर्जी को मैं अगर मैं डेल्टा यू वन मांगू, तो फॉर्मूले से डेल्टा यू वन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या होगा, वो हो जाएगा डेल्टा क्यू वन माइनस डेल्टा डब्ल्यू वन। और डेल्टा क्यू वन आपका कितना है, तो यहाँ पे देखो डेल्टा क्यू वन आपके पास दिया हुआ है फर्स्ट केस में अलोंग द पाथ ए डी सी, जो पहला वाला केस है ए डी सी का, इसमें जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो डेल्टा क्यू वन आपके पास 50 जूल का है, तो 50 माइनस, और वर्क डन इस केस में जो वर्क डन हो रहा है, वर्क ऑब्टेन हो रहा है वो 20 जूल का, 50 माइनस 20 मतलब इंटरनल एनर्जी किस फॉर्म में रही होगी, वो 30 जूल के फॉर्म में रही होगी, 30 जूल के फॉर्म में सिर्फ इंटरनल एनर्जी रही होगी। उसी तरह से अगर आप दूसरा पाथ ए बी सी फॉलो करोगे, जो कि दूसरा पार्ट है ए बी सी के लिए, तो डेल्टा यू टू आपको लेना पड़ेगा, और डेल्टा यू टू इक्वल टू हो जाएगा, देखो इसमें भी आपके पास डेल्टा क्यू टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू टू, दूसरे पार्ट के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसे में अब डेल्टा क्यू टू जो है वो देखिए, ये जब यहाँ पे देख रहे हैं पाथ आपके पास जो हो रहा है ए बी सी का, जब पाथ हो रहा है यहाँ पे आपने देखा हीट एब्जॉर्ब हो रहा है 36 का, तो 36 माइनस, अब ये डेल्टा डब्ल्यू डी आपको पता नहीं है ये कितना है, डेल्टा डब्ल्यू टू ये पता नहीं है, तो इसे हमें यहाँ पे फाइंड करना होगा। लेकिन अब मैं जैसा बात कर रहा था आपके साथ कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है पाथ से, तो पाथ से इंडिपेंडेंट होती है, तो ये और ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो डेल्टा यू वन इक्वल टू आप कर सकते हो डेल्टा यू टू। तो ऐसे केस में आप ये जो 30 है इसके लिए 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 36 माइनस डेल्टा डब्ल्यू टू, और W2 आप यहां से निकाल सकते हो, डेल्टा W2 जो आएगा आपके पास वो 6 जूल की वैल्यू आएगी, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन अलोंग द पाथ ABC जो होगा वो 6 जूल का हो जाएगा। ऐसे देखो आप क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एन आइडियल गैस गोज फ्रॉम स्टेट A टू B, A से B पे जा रहा है आइडियल गैस वाया द 3 डिफरेंट प्रोसेसेस एज इंडिकेटिंग इन PV डायग्राम Q1 Q2 Q3, ठीक है, तीन प्रोसेस है, यहाँ से एक ए से बी कर्व पाथ से होके जा रहा है, एक बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है सेकंड वाला, और एक ए से इस पाथ को फॉलो करता हुआ बी पे जा रहा है। एब्जॉर्ब बाय द गैस अलोंग द 3 प्रोसेसेस एंड डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इंडिकेट्स द चेंज इन इंटरनल एनर्जी अलोंग द 3 प्रोसेसेस आर रिस्पेक्टिवली, देन अब इस ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन होगा ये आपको, मुझे लगता है बहुत ही आराम से आप बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि इस दोनों को देख के डिफरेंशिएट कर लिया जाए किस पे मुझे जजमेंट लेना है ना। एक तो जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि आपका तीनों ही केस में इंटरनल एनर्जी सेम होगी, जब तीनों केस में इंटरनल एनर्जी सेम होगा तो आप देखो ये दो ही चॉइस है आपके पास इंटरनल एनर्जी सेम होने के लिए, या तो पहला या दूसरा, 50-50 कर लो अब, इसका तो कोई चांस है ही नहीं, है ना। तो पहली बात तो यहीं पे खत्म हो जाती है। अब ए और बी में से कौन सही है इसको देखने वाली बात होगी। तो ए और बी में से अगर आपको देखना है तो ये देखो कि मान लो इंटरनल एनर्जी दोनों की सेम है मान लिया, अब यहाँ पे आपको देखना है इस कर्व जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें से आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ग्राफ में क्या चीज आपको देखना है वो चीज मैं बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पे ग्राफ में देखना पड़ेगा कि एरिया, ठीक है ना, देखो एरिया काफी इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे कि किस जिसकी एरिया ज्यादा बड़ी होगी ना, ये पी और वी का जो ग्राफ है ना, ये प्रेशर है ये वॉल्यूम है, पी और वी के ग्राफ में जिसकी एरिया ज्यादा बड़ी होगी, जैसे ए और बी का फर्स्ट वाला कर्व पाथ देखो सबसे ज्यादा फर्स्ट वाले का एरिया ज्यादा है, बिल्कुल फर्स्ट वाले का एरिया ज्यादा हो क्योंकि इसको ज्वाइन करोगे तो ये इतना बड़ा आपको एरिया मिलेगा, तो फर्स्ट वाले का एरिया ज्यादा बड़ा होगा, तो इसका मतलब वर्क डन जो है जिसकी एरिया ज्यादा बड़ी होगी उसका वर्क डन ज्यादा होगा, तो फर्स्ट वाले का ज्यादा होगा तो W1 कह सकते हो, उसके बाद ये दूसरे वाले का होगा तो W1 ग्रेटर देन W2 होगा, और फिर लास्ट में तीसरे वाले का होगा तो दिस वन W3 होगा। और अब देखो जहां तक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है तो आपने पढ़ा है Q इक्वल टू क्या होता है W प्लस डेल्टा U, है ना, तो W प्लस डेल्टा U इसका मतलब जिसका जिसकी जो वर्क डन ज्यादा है, यहाँ पे वर्क डन जिसकी ज्यादा है उसी की हीट भी ज्यादा होगी, नेचुरल सी बात है, इसका मतलब यहाँ से क्लियर हो गया कि Q1 ग्रेटर देन Q2 ग्रेटर देन Q3, है ना, जो कि आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है और बोल भी रहा है इसमें कि 0.100 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज हीटेड फ्रॉम 10 डिग्री टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड कीपिंग इट्स वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट लेट डेल्टा यू ए एंड डेल्टा यू बी डिनोट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस ड्यू टू द प्रोसेस ए एंड बी रिस्पेक्टिवली देन विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी ट्रू कौन सा इसमें से सही होगा आप देखोगे एक तो सबसे पहली चीज है कि इंटरनल एनर्जी तो सेम होगा सबका है ना तो ये ऑप्शन सही है ये ऑप्शन गलत होगा ये ऑप्शन गलत होगा अब सवाल है कि ये भी तो सही है दोनों का इंटरनल एनर्जी लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ऐसा तो नहीं कि वो उसमें इंटरनल एनर्जी जीरो ही रहे इसलिए ये उसकी इंटरनल एनर्जी कुछ ना कुछ रहेगी जीरो नहीं होगी इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे सही माना जाएगा अगला क्वेश्चन है व्हेन हीट एनर्जी ऑफ 1500 इज सप्लाइड टू अ गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर 2.1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देर वॉज एन इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम इक्वल टू 2.5 × 10⁻³ मीटर क्यूब द इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी हमें यहाँ पे इसकी इंटरनल एनर्जी में क्या इंक्रीज होगी वो हमें बताना है और यहाँ पे देखिए 1500 इनफैक्ट ये जूल है एनर्जी है तो इसकी यूनिट तो जूल ही होगी तो ये जूल है अब इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा वो बताना है आपको हमारे से क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है ना इट्स इंटरनल एनर्जी हमें इंटरनल एनर्जी पूछा जा रहा है तो इंटरनल एनर्जी आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जो इंटरनल एनर्जी आनी है वो आनी है डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू की है ना ये आनी है और आपके पास क्या है डेल्टा क्यू आपके पास दिया हुआ है मतलब हीट एनर्जी जो है आपके पास 1500 जूल की दी हुई है लेकिन आपके पास डेल्टा डब्ल्यू नहीं है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे हमें सबसे पहले एफर्ट करना होगा डेल्टा डब्ल्यू फाइंड आउट करने के लिए तो डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा टी लगाना है डेल्टा भी लगा हुआ प्रेशर तो आपके पास दिया हुआ है ना 2.1 × 10⁵ इंटू अब देखो ये भी दिया हुआ है वॉल्यूम भी दिया हुआ है इंक्रीज इन वॉल्यूम जो है ये डेल्टा वी है तो डेल्टा वी आपके पास दिया हुआ है 2.5 × 10⁻³ जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा 5.25 × 10⁻² का और दैट मीन्स 525 इतनी जूल की वैल्यू आएगी तो अब 525 जो है इतनी जूल की वैल्यू को इसमें माइनस कर दो तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 975 जूल जो कि आपका ये थर्ड वाला ऑप्शन होगा अगला क्वेश्चन जो आप देख रहे हो यहाँ पे ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन अ कन्फाइंड आइडियल गैस डज माइनस में -150 जूल ऑफ वर्क अगेंस्ट इट्स सराउंडिंग दिस इम्प्लाइज दैट 150 जूल ऑफ फर्स्ट ऑप्शन जो है 150 जूल ऑफ हीट हैज बीन रिमूव फ्रॉम द गैस 300 ऑफ हीट 300 मतलब ये जूल में ही है ठीक है ना तो 300 जूल ऑफ हीट हैज बीन एडेड टू द गैस नो हीट इज ट्रांसफर बिकॉज द प्रोसेस इज आइसोथर्मल 150 जूल ऑफ हीट हैज बीन एडेड टू द गैस तो कौन सा सही ऑप्शन होगा वो यहाँ पे आपको देखना है पता है जब इस तरह का क्वेश्चन आपके पास दिया हो तो एक चीज आपको पता है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन जब होता है ना आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस में वर्क हैज डन बाय द गैस है ना वर्क डन किसके थ्रू होता है वर्क डन बाय द गैस होता है तो वर्क डन बाय द गैस मतलब इसमें जो होगी -150 जूल होगी ठीक है निगेटिव में आएगा अब जब बात हो रही है अगर 150 की 150 जूल ऑफ हीट हैज बीन एडेड है ना इसमें एडेड किया जा चुका हैज बीन एडेड टू द गैस टू कीप द टेम्परेचर ऑफ गैस कॉन्स्टेंट इसका मतलब आपने क्या किया यहां पे देखिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात हो रही है कन्फाइंड आइडियल गैस तो -150 जूल कहने का मतलब ये हुआ कि वर्क डन बाय द गैस हुआ था और आपको आइसोथर्मल में रखना है इसको तो इसके लिए आप क्या करोगे
150 जूल ऑफ हीट उसमें आप गैस को ऐड करोगे तभी वो उसमें रह जाएगा और उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो जैसे वो 150 जूल मतलब की सेम टेम्परेचर पे रखने के लिए आपने 150 जूल ऑफ हीट को उसमें ऐड ही करना होगा और तो कुछ करना नहीं है ताकि वो आइसोथर्मल में रह जाए। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम गिवन इनिशियल स्टेट टू अ गिवन फाइनल स्टेट अलोंग वेरियस पार्ट्स रिप्रेजेंट ऑन पीवी डायग्राम द क्वांटिटी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ इज। अब डायग्राम भी यहाँ पे आपको तब देखना पड़ सकता है, डायग्राम के बिना ही ये क्वेश्चन आपके पास सॉल्व होगा क्योंकि इसमें डायग्राम होता नहीं है, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड क्यू, अमाउंट ऑफ वर्क डन डब्ल्यू, क्यू बट नॉट डब्ल्यू, क्यू माइनस डब्ल्यू, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। जैसे कि क्वांटिटी दैट इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, कौन सा क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होता है पाथ से, आपको अभी कितनी बार आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है बताओ। क्वांटिटी दैट इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, तो इंटरनल एनर्जी होगा ना जो आपके पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है ना Q माइनस W। बस सॉल्व हो गया आपका, ये फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका, द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू अ सिस्टम इज 35 जूल एंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 15 जूल, देन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है आपसे, तो एक बार बता दो आप क्या होगा। बिल्कुल सही, ये 50 जूल बिल्कुल सही 50 जूल होगा क्योंकि आपने फॉर्मूला डेल्टा यू इक्वल टू 35 जो आपके पास डेल्टा क्यू है अब माइनस डेल्टा डब्ल्यू आपने लगाया, 35 माइनस 35 जो आपकी यहाँ पे दी हुई अमाउंट ऑफ हीट और जो साथ ही साथ जो 20 होगा ना वर्डन है, वर्डन माइनस करेंगे ना, माइनस करेंगे तो माइनस 15 होगा। तो अच्छा ऑन द सिस्टम, हाँ तो ये 35 और प्लस 15 ये हो गया 50 जूल, तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन भी आसान है, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। द इंटरनल एनर्जी चेंज इन द सिस्टम दैट एब्जॉर्ब 2 किलो कैलोरी ऑफ हीट एंड डन 500 ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी आपको यहाँ पे बतानी होगी क्या होगा इसमें से, ऑप्शन चार आपके पास दिया हुआ है ना। मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले जो डी क्यू है, डी क्यू जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है 2 किलो कैलोरी, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 2 किलो कैलोरी को कैलोरी में पहले 4.2 कर लेते हैं, फॉर्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए, फॉर्मूले के हिसाब से आपके पास डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो डी क्यू जो है आपके पास ये आ गई इसकी वैल्यू, तो अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, सीधा लिख रहा हूँ 2000 इंटू 4.2 इक्वल टू डी यू जो है आपके पास, ये तो हमें चाहिए क्योंकि हमें पूछा गया है इंटरनल एनर्जी के बारे में, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और दिस वन इज प्लस 500, है ना। तो यहाँ से डी यू अब आप निकाल के देखो कितना आ रहा है, तो इसको ऐसे भी ये 200 इंटू 4.2 करोगे ना तो ये 8400 और 8400 में 500 को माइनस करोगे तो 7900 जो कि थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही मार्क होगा। बिल्कुल ये क्वेश्चन है, इफ आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस फ्रॉम 273K टू 273K व्हेन ओवर इज डन व्हेन वर्क इज डन, तो हमें क्या चाहिए अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट के लिए क्या फॉर्मूला लगाया जाए। इसमें से आपके पास चार ऑप्शन दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा और यहाँ पे एक चेंजेस है, व्हेन नो वर्क लिख दो आप, नो वर्क इज डन, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट है, आप सॉल्व कर सकते हैं। अब सवाल है कि यहाँ पे आप एक चीज ध्यान देना, मैं एक हिंट दे रहा हूँ, जैसा कि वर्क डन नहीं हो रहा है
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप क्या देखते हो, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो वर्क डन तो हो नहीं रहा, तो आप इसका मतलब कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही होगी, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है तो उसके लिए आप फॉर्मूला क्या लेते हो, एन सी वी डी टी, ये फॉर्मूला लेते हो, ठीक है ना। तो एन सी वी डी टी का फॉर्मूला लेते हो और इसको आप यहाँ पे अप्लाई करोगे एन, और इसकी जगह पे आप, अगर आपने फॉर्मूला याद होगा आपको, आर अपॉन गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के लिए इंटू डी टी। तो मोनो एटॉमिक है, आइडियल मोनो एटॉमिक गैस, एन की जगह पे आप टू ले लो, अपॉन आर अपॉन गामा की जगह पे क्या लेना पड़ेगा, गामा की जगह पे मोनो एटॉमिक के केस में 5/3 लेते हैं हम लोग, ठीक है, और इनटू यहाँ पे आप कर दो 100, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर की बात हो रही है 273 से 373 पे, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट मैंने लिख दिया चेंज इन टेम्परेचर के लिए 100। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करते हैं, देखते हैं, 2 इंटू आर, और ये हो जाएगा 5-3 मतलब 2/3 इंटू 100, तो जिससे कि ये तो 2 और 2 कैंसिल होगा तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, दैट मीन्स 3 इंटू 100, दैट मीन्स 300 आर इसके इक्वल आ जाएगा, ये मतलब हमारा ये सी ऑप्शन सही होगा। पहला क्वेश्चन आप रिप्लाई कर सकते हो आराम से, फॉर एन आइडियल गैस Cp इज लेस देन Cv, Cp इज इक्वल टू Cv, Cp इज ग्रेटर देन Cv, Cp इक्वल टू Cv, इक्वल टू जीरो, कौन सा ऑप्शन होगा? आपको पता ही है कि Cp जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए होता है और Cv जो होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए होता है, तो Cp ग्रेटर Cv बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन यहीं पे हम लोग देख लेते हैं, अ डायटमिक गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी is used to increase the internal energy? Option है 3/5, 3/7, 5/7, 5/9. At constant pressure, ठीक है ना? ये बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेंगे, ये हमेशा यूज में भी आता है और क्वेश्चन इस पे तो होता ही होता है। At constant pressure, आपको पता है डेल्टा क्यू जो है, अभी जैसे हमने कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के लिए लिया था एन सी वी डेल्टा टी, तो एन सी पी डेल्टा टी हम लोग लेते हैं, ठीक है, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए डेल्टा क्यू इक्वल टू आप लेते हो एन सी बी डेल्टा डी, ठीक है। अब बात होती है यहाँ पे कि डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी जो रही होगी वो, और अपॉन डेल्टा क्यू, दिस वन इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, तो देखिए इंटरनल एनर्जी आप डेल्टा यू जो रही होगी कांस्टेंट प्रेशर के केस में और कांस्टेंट वॉल्यूम के, कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में तो वर्क डन हुआ नहीं होगा, तो आप यहाँ पे डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ पे बात ही हो रही है कांस्टेंट प्रेशर, व्हाट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की बात हो रही है, तो फ्रैक्शन किसकी किसकी चाहिए, तो हीट एनर्जी इज यूज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, है ना। तो अब देखो यहाँ पे एन सी वी डेल्टा टी अपॉन डेल्टा क्यू, यह मतलब डेल्टा क्यू करने का मतलब एन सी पी डेल्टा टी कर सकते हैं हम लोग, तो इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एन सी पी डेल्टा टी, तो आपका सब चीज कैंसिल होगा, सिर्फ बचेगा सीवी बाय सीपी, सीवी बाय सीपी कहने का मतलब हुआ 1/γ, क्योंकि गामा की वैल्यू जो होती है वो सीपी बाय सीपी के फॉर्म में होती है, तो ये 1/γ के फॉर्म में हो गया। और फॉर डायटमिक गैस, है ना, जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है हमारे लिए किसके लिए कर रहा है, तो डायटमिक गैस की बात हो रही है, तो फॉर डायटमिक गैस ये आपको याद रखना पड़ेगा कि गामा की जो वैल्यू होती है वो 7/5 होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो हमारे पास आया है 1/γ आया है ना, मतलब डेल्टा यू बाय डेल्टा क्यू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/7 हो जाएगा, बिल्कुल इसका इनवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 5/7 हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 5/7 की, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा हमारा। इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले, मतलब सॉल्व करने के पहले, हमेशा ध्यान में रखना है कि आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला है वो आप सामने निकाल के रख लो, आपको बहुत हेल्प करेगा यहाँ पे इसको सॉल्व होने में, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हो, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर फ्रॉम 0°C टू 100°C, then the change in the internal energy of the gas is, or R की value given है 8.82 joule per mole per Kelvin, और option भी आपके पास दिया हुआ है 0.83 into 10 power 3 joule,
4.6 × 10³ जूल, 2.08 × 10³ जूल, 1.25 × 10³ जूल। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और इसमें जो हीट सप्लाई है जैसा देख रहे हो आप कांस्टेंट प्रेशर पे, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो जो हीट सप्लाई है उसके लिए फार्मूला कांस्टेंट प्रेशर के लिए आपके पास डेल्टा क्यू इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी होता है। ठीक है, और जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है उसके लिए फार्मूला डेल्टा यू इक्वल टू आपके पास होता है एन सी वी डेल्टा टी। कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये होता है, नॉर्मल सी बात है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो सेम रहती है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा क्यू इक्वल टू कितना होगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, और अब आप देखो डेल्टा डेल्टा यू आपको तो यहां से आप निकाल सकते हो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू कितना होगा, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा, डेल्टा यू हो जाएगा। अब इसमें इसकी जो वैल्यू है डेल्टा क्यू की वो आपने निकाल लिया है एन सी पी डेल्टा टी, तो आप यहां पे लिख दो एन सी पी डेल्टा टी माइनस डेल्टा यू भी एन सी वी डेल्टा टी, तो एन सी वी डेल्टा टी। इस दोनों में कॉमन क्या है, एन और डेल्टा टी कॉमन है, तो इसमें भी एन है डेल्टा टी है, इसमें भी एन है डेल्टा टी है, तो ये रह गया सी पी माइनस सी वी। इससे सी पी माइनस सी वी से आपको पता लग गया कि सी पी माइनस सी वी जो होता है वो आर के इक्वल होता है, क्योंकि डायरेक्ट हमें ना सी पी का वैल्यू पता है ना हमें सी वी की वैल्यू पता है, लेकिन आर के बारे में हमें दे रखा है कि आर इक्वल टू 8.82, तो आर की वैल्यू हमारे पास दे रखी है इसने। तो अब जो हमारे पास जो वर्क डन हो गया डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू एन आर डेल्टा टी हो गया, तो एन आर डेल्टा टी एन किसके लिए, तो देखो फॉर वन मोल ऑफ गैस तो एन इक्वल टू वन हो गया। ठीक है, और आर आर की वैल्यू आपको दे रखी है 8.31 × 10⁻³ कुछ नहीं है। ठीक है, और बात रहेगी डेल्टा टी की, मतलब चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर देखिए 0 से 100 तक गया है, इसका मतलब 100 का होगा तो इंटू 100 कर लो, तो क्लियर सी बात है कि डायरेक्ट आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 8.31 × 10⁻² की, है ना, तो 8.31 × 10⁻² की वैल्यू आ रही है। और हमारे ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसमें चेक करो अभी कोई वैल्यू आ रही है क्या, लेकिन हमारे पास सब ऑप्शन किस में है, जूल में दिया हुआ है ना, तो जूल में दिया हुआ है, इसको कुछ और करना पड़ेगा क्या, इसमें से कोई नहीं है, इसमें से कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं है, तो एक ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए था 8.31 × 10⁻² का। ठीक है, इतने जूल का, अब ये सही होगा। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें क्या कह रहा है, 70 कैलोरीज ऑफ हीट आर रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर फ्रॉम 30°C to 35°C। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सेम सैंपल ऑफ द गैस थ्रू द सेम रेंज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज, और गैस कॉन्स्टेंट इक्वल टू दिया हुआ है 2 कैलोरी पर मोल पर कैलोरी, और ऑप्शन 30 कैलोरी 50 कैलोरी 70 कैलोरी, एक और ऑप्शन दूसरे पे हमारे पेज में है उसको मैं दिखाता हूँ। देखिए जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है ना आपके पास कि कॉन्स्टेंट प्रेशर की बात हो रही है ना, तो कॉन्स्टेंट प्रेशर की अगर आप बात करते हो तो डेल्टा क्यू इक्वल टू हमने क्या लिया था एन सी पी डेल्टा टी, है ना, तो यहां से आप सी पी निकाल सकते हो, तो सी पी इक्वल टू कितना आएगा आपके पास डेल्टा क्यू बाय एन डेल्टा टी, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और दिस वन इज इक्वल टू डेल्टा क्यू जो आपके पास है देखो कितने का दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप डेल्टा क्यू जो हीट सप्लाई दी हुई है वो 70 कैलोरी है, यहाँ देखो स्टार्टिंग में ही लिखा है 70 कैलोरी ऑफ हीट आर रिक्वायर्ड, तो ये 70 है, और एन एन जो है वो ऑब्वियस ही बात है 2 का है, तो ये 2 मोल्स यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, तो 2, और डेल्टा टी जो है वो 35 माइनस 30 करोगे तो 5 का आएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे 5 आप ऐसा लिख दो, तो यहाँ से आपके पास 5 का 10 और ये 0 कैंसिल हो गया, मतलब 7 कैलोरी
आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आप ये देखो कि आपको पता है सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर होता है ना, तो सी वी इक्वल टू कितना होगा, सी वी इक्वल टू सी पी माइनस आर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो सी पी जो आपके पास आ गया वो 7 आ गया, और आर कितने का दिया हुआ है, देखो गैस कांस्टेंट जो है वो आपके पास 2 का दिया हुआ है, तो दैट मीन्स आपके पास आ गया 5 कैलोरी पर मोल पर केल्विन की वैल्यू आ गई। अब आपको चाहिए कि क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सेम सैंपल, सेम सैंपल के टेम्परेचर को आपको रेज करना है। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट कितनी लगेगी ये आपको बताना है। तो आप देखो यहाँ पे आप बताओ डेल्टा क्यू, मान लो हीट लग रही है तो, लेकिन सेम तो उसी को, लेकिन किस केस में, इस बार आपको देखना है कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में। इससे पहले आपने किस में देखा था, कांस्टेंट प्रेशर के केस में देखा था, अब आप कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में देख रहे हो, तो कांस्टेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ एन सी पी डेल्टा टी का, है ना। तो आप देखो एन तो 2 ही है, सेम गैस के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ऑफ द गैस थ्रू द सेम रेंज, सेम रेंज के लिए, तो सेम रेंज टेम्परेचर भी 5 ले लो, टेम्परेचर डिफरेंस भी 5 का ही रहेगा, इनटू है ना, इनटू आप देखो यहाँ पे सी बी कितना निकाला आपने, सी बी तो निकाल लिया ना अब आपने सी पी और सी बी के रिलेशन से, तो सी बी आपने निकाला 5 का, 5 हो गया, तो 5 25 इंटू 2 मतलब 50 कैलोरी का आपका वैल्यू आ रहा है। ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन को पूछने की कोशिश की जाती है पेपर में, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होता है, और जब बच्चों को दिया जाता है कि भाई अगर मान लो कांस्टेंट प्रेशर दे दिया गया और कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं दिया जा रहा, तो एक डाउट होता है कि पता नहीं कांस्टेंट वॉल्यूम तो दिया नहीं, कैसे फाइंड आउट किया जाए इसको, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है।